हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, तो आज ये व्लॉग है सरोजनी नगर का। तो अभी मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, विनोबापुरी के पिंक लाइन पे। तो अभी गाइस मेट्रो आ गई है। तो आप जो जाते हैं सरोजनी नगर, तो गेट नंबर 1 है, तो गेट नंबर 1 से एंट्री होती है। तो बस मिलते हैं, मेट्रो आ गई है। तो गाइस ये गेट नंबर 1 है, तो मैंने एंट्री कर ली बाहर। तो ये यहाँ से सामने ये करती है मेरे साथ अभी आकांक्षा है, और एक आकांक्षा की बहन। और ये गेट नंबर वो गेट है, और मैं गाइस मैं आऊँ। तो देखते हैं क्या क्या न्यू कलेक्शन आता है। अभी विंटर्स के भी होंगे और समर के भी, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है और फैब का महीना चल रहा है। तो फैब में सर्दियों के भी होंगे और गर्मियों के भी। कौन सी चाहिए? सर्दियों अब तो होगी ना, सर्दी खत्म, तो गर्मियों के साथ मार्केट दिखाते हैं। तो गाइस ये एंट्री गेट है सरोजनी नगर का। तो यहाँ से ये गेट 3 जो सरोजनी नगर का गेट है वो, और मेट्रो स्टेशन का जो गेट है वो है 1। तो यहाँ से एंट्री होगी और ये स्टार्ट है पूरा मार्केट यहाँ से। तो गाइस अब बिल्कुल मेट्रो से स्ट्रेट निकलते ही यहाँ पे शॉप ही शॉप आपको दिख जाएगी, पर इनका गाइस मुझे शॉप नंबर इस वीडियो में बिल्कुल भी याद नहीं है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं पूरे का पूरे यहाँ पे समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन ही है। और जहाँ पे आपको विंटर कलेक्शन दिखेगा वहाँ पे आपको डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलेगा। आप यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना जितने भी कलेक्शन है वो आप निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो अगले साल से न्यू कलेक्शन लेके आएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपकी बार्गेनिंग, आपके सीजन वाइज जो ऑफ वाइट है वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और जितने भी जैसे कोरियन स्टाइल है वो भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं सरोजनी नगर, तो मंडे के अलावा और वीकडेज के अलावा आ सकते हैं, क्योंकि मंडे को तो यहाँ पे बंद होते हैं सरोजनी नगर मार्केट, और वीकडेज में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो आपको विजिट करना है तो आप यहाँ वीकडेज के अलावा और मंडे के अलावा आ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे समर की जितनी भी कलेक्शन है, टी शर्ट्स, सूट्स, और आपको सभी कुछ दिखाई देगा। तो हम आए थे फैब को, तो क्योंकि हमारा फेस्ट था इसलिए हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे वन पीस। तो हमें यहाँ पे वन, तो गाइस हमने अपनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, तो इसी वीडियो में आपको वो दिख जाएगा जहाँ पे हमने वो अपना जो वन पीस है वो लिया था। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी जंग ज्वेलरीज है मैंने वन पीस से लिए, अपने जितने भी सेट तो वो पूरा बना लिया था मैंने, अपने सूट है वो ले लिए थे। जो आपको यहाँ पे सूट दिख रहे हैं वो आप किसी भी फेस्टिवल पे, जितने भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल होली है तो आप पहन सकते हैं। तो गाइस ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था, गूगल स्नैपचैट में जो फिल्टर होता है वो, तो मैंने अंकल से कहा कि 150 तक करवा लिया था, पर है ना मुझे 100 तक चाहिए था, पर उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं किया। तो गाइस मैंने सोचा कि बाद में देखते हैं इसको। तो गाइस मैं नेक्स्ट रूम पे चली गई, तो नेक्स्ट रूम बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट पैंट थी, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास तो बहुत है ही। तो गाइस तो आपको लेना है तो वो ट्रेंड में चल रही है, बिल्कुल जो लूज टी शर्ट होती है, लूज ये पैंट्स होती है बहुत ट्रेंड में। तो गाइस ये कुर्ता, जिसको कुर्ते पसंद है वो कुर्ते ले सकते हो। यहाँ पे जितने भी कुर्ते की वैरायटीज बहुत ज़्यादा थी, तो टी शर्ट यहाँ 200 में आपको टॉप्स थे, जितने भी थे 50 में आपको टी शर्ट जितनी में थी वो सब कुछ मिल रहा था। अब तो समर का सीजन है, तो आप तो टी शर्ट और नीचे से पैंट तो बहुत बेस्ट लगता है, तो आप इसको ढक कर सकती हैं, बाहर निकाल सकते हैं टी शर्ट को, तो आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं। तो गई ये शॉप थी जहाँ से हमें अपना जो शूज था वो लिया था, यहाँ पे 200-300 के शूज थे वो है ना डिस्काउंट मिल रहे थे। तो हम यहाँ गए तो हमें अपने जो साइज के थे वे जो शूज थे वो लिए। तो गाइस आपको बैग चाहिए तो बैग ले सकते हो, पर वो 500 तक थे, तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो गाइस यहाँ पे ये जीन्स की जो शॉप थी पर क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे भी बैग 800-900 तक 800 मांग नहीं करने की भी कोशिश करी, पर उन्होंने कम नहीं दी। तो हम गाइस नेक्स्ट शॉप पे गए, तो नेक्स्ट शॉप पे हमें टी शर्ट थी जो मेरे पहनने पसंद करी, जो आप शॉर्ट्स हैं शॉर्ट ले सकते हैं 200-250 में, आपको जितने भी आपकी जो नॉलेज होती है कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये शॉप थी, तो गाइस ये शॉप देख सकते हैं कौन सी शॉप है। तो गाइस यहाँ पे 100-100 बैग मिल रहे थे, तो मैं एक ही बैग पसंद आया तो मेरी फ्रेंड ने वो ले लिया। तो गाइस ये है डेकोरेटिव का सामान, तो आप ले सकते हैं। तो गाइस इस शॉप से मैंने अपनी जीन्स ली थी 300, तो गाइस वो बैग
क्वालिटी उसकी मस्त थी, मुझे बहुत पसंद आई। तो गाइस पर मेरी बहुत ढीली थी तो मैंने अपनी बहन को दे दी वो। तो यार गाइस मैं सोच रही हूँ दोबारा इसी शॉप पे जाने के लिए, क्योंकि मुझे पैंट की क्वालिटी बहुत पसंद आई। यहाँ पे वन पीस भी थे तो गाइस मुझे वन पीस बहुत चाहिए थे। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो कब लाऊं। तो बाय गाइस।